हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एमके सिंह, आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक किंग एमके सिंह में स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट पार्ट जो है स्क्वायर निकालने का अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोगों ने शानदार और जानदार कमेंट में जो जवाब दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पता चलता है कि आप जो पूछे हैं आप उपयोग कर रहे हैं हमारे क्लास का, और हम जो पढ़ा रहे हैं उसका आपके जीवन में दिनचर्या में मतलब यूजफुल है आपके लिए, इससे ये बात चलता है। बहुत अच्छी बात है दोस्त, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करता रहूंगा, और अभी तक प्रॉब्लम का कोई भी शिकायत नहीं आया है आप लोगों की तरफ से फर्स्ट पार्ट का देखने के बाद। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे पार्ट टू, मतलब हम लोग सीखे थे लास्ट वीडियो में एक से लेकर के 20 तक का स्क्वायर, आज हम लोग सीखेंगे 20 से लेकर के मतलब सॉरी 21 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट टू वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो रूल और रेगुलेशन कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, एक रूल पे पढ़ाएंगे, क्योंकि बार बार रूल बदलने का मतलब है बच्चा कितना रूल याद करके रखेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और रूल अगर चेंज कर देंगे ना तो हैक्टिक हो जाता है उन लोगों के पास कितना चीज का स्कोर रखेगा। इसलिए एक रूल पे हम लोग चल रहे हैं। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको, ठीक है। देखिए ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस का स्क्वायर कीजिए, तो यूनिट प्लेस का स्क्वायर किए मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब 2 × 1 × 2 तो 2×2 = 4। अब 10 प्लेस पे आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 4, ठीक है। इट मीन्स 21 का जो स्क्वायर आया हम लोगों को 441, क्या आया 441, क्लियर। 22 का जब स्क्वायर आएगा तो अब ध्यान दीजिए यूनिट प्लेस में कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 × 2 × 2, 2×2 = 4, 2×8, क्लियर। 2×2 = 4, 2×8। अब 10 प्लस का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4, मतलब 484 क्या हो गया आपका 484। सिमिलरली 23 का जब स्क्वायर करेंगे, समझ में आ रहा है पक्का, ओके। तो 23 का जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तब क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर करो यूनिट प्लेस का तो 9 हुआ, 2 × 3 × 2 तो 3×2 = 6 × 2 = 12, 12 का 2 हाथ में कितना बच गया 1। अब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, ठीक है। 5×2 = 9, 23 का स्क्वायर कितना आ गया 5×2 = 9। सिमिलरली 24 का स्क्वायर करके देखो तो 4 का स्क्वायर 16×6 हाथ में कितना बच गया 8, 2×4 × 2, 4 2×4 = 8, 2×16 प्लस 8 17 का 7 हाथ में कितना बच गया 8, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 576, क्लियर। जिस तरह फर्स्ट वीडियो में आप लोग बता रहे थे एकदम वही पैटर्न है हमारा, इसी पैटर्न पे बता रहे हैं। 25 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25×5 हाथ में 2, 5×10 = 20, 20+2 = 22, 2 फिर रिमाइंडर 2, 2 का स्क्वायर 4×2 = 6, 6×20 = 5। अब आप लोगों के लिए होमवर्क कमेंट सेक्शन में आप जवाब देंगे 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, ठीक है, और 30 का स्क्वायर, इसको हम लोग फाइंड करेंगे, क्लियर। ये आप लोग को बनाना है और कमेंट में इसका जवाब देना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलो, लाइक भी करो सब्सक्राइब भी करो, और दोस्तों के बीच थोड़ा सा शेयर भी कर दो। थैंक यू।